हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आज हमारे साथ हिंदुस्तान में शानदार वाला डंका बजा दिया सीए फाइनल के एग्जाम्स में, सीए फाइनल के रिजल्ट्स में। दिल्ली के दो भाई शिवम मल्होत्रा एंड शुभम मल्होत्रा हमारे साथ में हैं, जिन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर शिवम स्कोर 84 मार्क्स एंड शुभम स्कोर 92 मार्क्स इन सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों भाइयों ने प्रूव कर दिया कि यस, ये भी मुमकिन है। शुभम स्कोर ऑल इंडिया रैंक 8 एंड सरकार ही वॉज AIR 1 इन इंटरमीडिएट। सर, सबसे पहले शिवम एंड शुभम दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, माहौल जमा दिया आपने, एंटायर फैमिली को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मोस्ट वेलकम यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जो भी कन्वर्सेशन शुरू करना है आपका, जो मेरे को आपकी बात पहुंचानी बहुत सारे स्टूडेंट्स तक, उससे पहले जो इस सक्सेस के सबसे ज्यादा दावेदार है, सबसे ज्यादा हकदार है, आपके पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू ग्रीट देम। सबसे पहले आप उनका नाम बताइए मुझे। सर, मेरे फादर का नाम है विकास मल्होत्रा एंड माय मॉम नेम इज पूनम मल्होत्रा। बहुत बहुत बधाई और उनको चरण स्पर्श, और उन दोनों ने आपकी इतनी अच्छी परवरिश करी है कि यू मतलब आपने समझे चांद तारे तोड़ लाए एक तरह से, और लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन। सबसे ज्यादा हक उन्हीं का बनता है, क्योंकि हम तो हमें समझ शायद लास्ट 5-6 साल में आई होगी, पर वो हमको कितने सालों से इस लेवल तक हमको लेके आया कि आज आपने जो उनको गिफ्ट दिया है ये मेहनत करके, शायद उनको लग रहा होगा कि उनकी मेहनत शायद सफल हुई है। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। थैंक यू सो मच। आप में से शिवम कौन है और शुभम कौन है? मैं शुभम। Superb. You both are real brothers? Yes, the twin hai. Hum log identical twin. Oh, क्या बात है! धमाल साहब, मजा आ गया भाई। Superb and आपकी जोड़ी जिंदगी में बनी रहे और ऐसे ही तुम सर माहौल बनाते रहो हर तरफ। Best wishes. शुभम एंड शिवम, आप दोनों जब रिजल्ट देखा था, आप लोग घर पे थे या कहाँ थे उस टाइम पे? घर पे थे सर। घर पे थे? आपकी फैमिली में और कौन कौन है? सर, मेरी एक बहन है, बड़ी बहन है, शी इज अ टीचर, एंड बाकी सर दादी दादू चाचू हैं। अरे ग्रेट। तो आप लोग जब रिजल्ट देख रहे थे, सब जन साथ में थे आपके? सर, मम्मी जैसे ही ना, सो एक CCM है उनका, उन्होंने ट्वीट कर दिया रिजल्ट इज आउट, बट तब तक रिजल्ट आया नहीं था, तो पता चल गया था रिजल्ट आने वाला है, एंड उस टाइम पे फिर वो F5 रिफ्रेश कर करके, तो मैंने चिल्लाया था रिजल्ट आने वाला है, एंड मम्मी फिर रूम में आई नहीं, मम्मी बाहर मंदिर के पास ही बैठ गई जब तक रिजल्ट हम लोगों का खुला नहीं, एंड हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए रिफ्रेश कर रहे हैं, देन मेरे को आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग अ रैंक, तो मैंने मार्कशीट तो देखी नहीं, मैंने सीधा मेरिट लिस्ट खोली, अपना रोल नंबर जल्दी से डाला, एंड सो ऑल इंडिया रैंकेड, आई लाइक चिल्लाया ऑल इंडिया रैंकेड, एंड देन फिर मम्मी आई। क्या बात है! अरे वाह, सुपर्ब। और फिर रिजल्ट ओपन किया आपने शिवम, कैसे देखा आपने अपना रिजल्ट शिवम? सिमिलरली जब इसकी ऑल इंडिया रैंक खुली, एट द सेम मोमेंट मेरा रिजल्ट खुला, मैंने पहले मार्कशीट ही देखी थी, उसमें मैंने देखा 500 × IDT 84, देन फिर मेरिट लिस्ट मैंने बस ट्राई मारा, बट रैंक नहीं थी। तुम्हारे एक्सप्रेशन देखी और तुम्हारे जो मार्क्स आए, तुमने जो रैंक स्कोर किया है, तुम्हारी फीलिंग देखी, मेरे को गूज बम्प आ रहा है, तो डेफिनेटली यार मम्मी तो क्या इमोशनल हुई होगी, मजा आ गया यार भाई, ये खुशी जो आपने दी परिवार वालों को। देख के ऐसा था कि मेरी है ना मार्कशीट की और की तो नहीं आ गई, इतने भी नंबर आते अरे तुमने जब मेरे को फोन किया ना कि यू स्कोर्ड 92 मार्क्स, मतलब आई वाज लाइक और सुपर बॉस, मतलब नो वर्ड्स, एंड एट द सेम टाइम यू टोल्ड दैट शिवम के 84 मार्क्स है, तो मैंने कहा दोनों भाइयों ने तो भाई बम फोड़ दिया है पूरा, जबरदस्त वाला, मतलब रियली मतलब मेरे को इतना खुशी हुआ उस टाइम पे, आई फेल्ट कि मतलब मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ कि यू बोथ गाइस, देखो क्या होता है, दो रियल ब्रदर्स है और दोनों का साथ में सीए बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसा आपका सिनेरियो वैसे ही मेरे साथ भी था, मी एंड माय कजिन ब्रदर, नॉट ट्विन बट या फर्स्ट कजिन, रोहित मंगल एंड यशवंत मेकुद, हम दोनों सेकंड क्लास से ही साथ में ही है, हमारी ज्वाइंट फैमिली है,
हम दोनों साथ में ही पढ़ाई की हर क्लास में, और हमारा हमेशा कॉम्पिटिशन चलता था, 2-3 मार्क कभी वो आगे, 2-3 मार्क कभी मैं आगे। तो दिस इज हाउ कॉम्पिटिशन चलता था। और जब मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि वी कैन रिलेट, जिस दिन सी ए फाइनल का रिजल्ट आने वाला था तो उस दिन मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, हमको था एश्योरेंस की हो जाना चाहिए, ऐसा टेंशन लेके भी खेल के भी क्या हो जाएगा। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक कोई टेंशन नहीं था। पहले देखा रिजल्ट रोहित का हमने, वी वर इन मुंबई आरवीजी हॉस्टल के अंदर, पहले रोहित का रिजल्ट देखा हमने। जैसे ही रोहित का रिजल्ट देखा, ही स्कोर 438 मार्क्स इन सी फाइनल, ही गॉट पास। तो जैसे ही वो पास हुआ तो मेरे को टेंशन चल रही, साला मैं नहीं ले जाऊँ कहीं। और मेरे को केवल वो 2 सेकंड, मतलब वो 5-7 सेकंड के लिए ही टेंशन धक धक हुआ कि वाह भाई रोहित तो निकल गया, मेरा कि रह नहीं जा। देन आई सो माय रिजल्ट और इवन आई क्लियर्ड। सो उस टाइम पे जो हमारा, हमने जो फैमिली को बताया दोनों हम पास हो गए, हमारा जो फीलिंग था, हमारी फैमिली का जो फीलिंग था, तो वही मेरे को रियलाइज हुआ, वही मेरे को याद आया जैसे ही मैंने आपका रिजल्ट सुना था। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या फीलिंग रहा होगा आपके घर में, जबरदस्त वाला माहौल के साथ एकदम। तो अभी तो पार्टी वार्टी करेगी नहीं करी भाई कल? कल करी थी थोड़ी, आज फिर करेंगे, कल फिर करेंगे, वीकेंड लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। अरे वाह, चलना चाहिए भाई दौर, ये मतलब यू नो ये वक्त नहीं, ये दौर आना चाहिए तुम्हारा, माहौल जबरदस्त। तो शुभम, सिंस यू स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीए इंटरमीडिएट, मतलब एयर 1, तो मेरे को कभी कभी लगता है कि यार मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मैं कम से कम लायक तो हूँ उससे बात करने लायक। आपने पढ़ा है हम करके, वी आर प्रिविलेज्ड। अरे इट्स माय प्रिविलेज। सो जब आपने पढ़ाई शुरू करी थी फॉर दिस सीए फाइनल, तो हैड यू एक्सपेक्टेड कि रैंक मेरे को आएगा या यू हैड प्रिपेयर्ड फॉर रैंक और लाइक दैट? नहीं सर, सो ड्यूरिंग माय इंटर प्रिपरेशन भी द माइंडसेट वाज दैट मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड रैंक आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। टू लाइक प्रेडिक्ट, अपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे रैंक का एंड इवन पास करने का, इट्स वेरी लाइक बहुत बेकार चीज हो सकती है। यू नेवर नो, 8 में से कोई ऐसा सब्जेक्ट निकल जाए जो आपको कभी समझ ही ना आए, एंड इट कैन हैपन विद एनीवन, वो किसी का फॉल्ट नहीं होता, कभी कभार बैठता नहीं दिमाग। तो मेरा ये था दैट जब तक मैं 8 के 8 सब्जेक्ट्स पढ़ नहीं लूंगा, मैं उनको एक बार रिवाइज नहीं करूंगा, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी रैंक, मैं पास भी अपना टारगेट नहीं करता। इवन मैं ये भी डिसाइड नहीं कर रहा कि मैं बहुत कुछ लूंगा या नहीं। तो वंस आई लाइक स्टडीड ऑल द सब्जेक्ट, मैंने उसके बाद देखा जो ओके ये सारे सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली समझ आ गए, नाउ अब मेरे को क्या करना है। एंड उस प्रिपरेशन में भी सर रैंक का मैंने कभी सोचा नहीं था, फॉर मी इट वॉज वेरी क्लियर दैट I'll give my best. वो rank one आया तो चलेगा, rank one नहीं भी आया तो maybe someone else deserve it more than me. So in this case 7 लोग maybe वो मेरे से ज़्यादा पढ़े होंगे, they were more lucky and they truly deserve this rank. I'm very obviously happy. Yes. And you scored all the rank 8. It's too much in CA fun here. All the rank 8 किसको बोलते हैं? जबरदस्त माहौल. Shivam, when you start, Shivam, when you started your preparation in CA final, आपका किस तरह का स्टडी प्लान था या हाउ यू वेंट अबाउट? तो सिमिलरली था दैट इंटरव्यू में वैसे टारगेट करते हैं कि अपना बेस्ट देना है, स्कोर जितना भी आएगा दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स, हम अपना बेस्ट देंगे फिर ताकि रिग्रेट ना हो। इवन दो रैंक आए, 1 आए, जो भी आए, हमें वो मार्कशीट देख के होना चाहिए दिस इज द बेस्ट शॉट दैट आई हैव गिवन, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सो सिमिलरली फाइनल में भी यही था दैट आई हैव गिवन माय बेस्ट शॉट, जो भी है इतना ही है। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट एंड दैट्स रियली मोटिवेटिंग। पता है आपने जो ये बात कही दोनों ने, दिस विल बी मोटिवेटिंग फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग रैंक का टारगेट लेके फिर यू नो प्रेशर में आते हैं एंड मोमेंट पर, एंड आई थिंक दीस वर्ड्स ऑफ बोथ ऑफ यू विल डेफिनेटली रीच द प्रेशर ऑफ मेनी ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाइनल और इंटरमीडिएट। यस सर, दैट्स रियली ग्रेट। तो पढ़ाई अपने बेस्ट करो एंड अगर यू डिजर्व करते होगे तो जरूर आएगा रैंक, कोई प्रेशर लेने की बात। सुपर। तो अब मैं आप दोनों के मार्क्स रिवील कर रहा हूँ सबके सामने। आपने जो मुझे मार्क्स भेजी थी, पहले मैं शिवम आपके मार्क्स बोलता हूँ। शिवम स्कोर्ड इन एफआर 75, सुपर्ब, एसएफएम 71, ऑडिट 58, लो 50, 50, सो टोटल स्कोर वाज 254 फॉर शिवम। इन सेकंड ग्रुप इन एससीएमपी यू स्कोर्ड 44, इन इलेक्टिव elected, you selected multidisciplinary case study paper. Yes. 6D. Super. 6M. You scored 61. Super. 6? F paper 6F. Okay. 6F. Okay. In direct text, Shivam scored 59. And in indirect text, Mahal, bhai, 84. Jabardast.
So total was 248 in group 2 and total is for both the group 502. Kya baat hai, jabardast, superb, Mahul. For Shubham, the score is dil tham ke baithega. FR 78, SFM 83. Kya baat hai bhai, do log pass hue the isme to yaar. Audit 68, low 68 again, good. SCMP 72. इलेक्टिव पेपर अगेन आपने दिया पेपर नंबर 6F मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी दोनों ब्रदर्स ने सेम पेपर ही दिया सेम सब्जेक्ट ही चूज किया था यस गुड इन इन द स्कोर 60 का टेक्स 78 मार्क्स एंड इन द टेक्स 92 मार्क्स अरे वाह सुपर्ब सुपर्ब सो ग्रुप 1 टोटल फॉर शुभम इज 297 ग्रुप 2 टोटल इज 307 total comes to 604. Mahol bhai jabardast shandar both the you know dono bhaiyon ne to bhai dhamal kar di and aapke sare subject mein highest marks was in indirect text to yaar sabse pehli baat ye sabse pehla to it's a proud moment for me ki yaar aap dono ke sare subject mila ke 80 matlab indirect text was the highest scoring subject so really I am glad यार आपने इतनी मेहनत करी और आपका मेहनत ये रिजल्ट लेके आया माहौल के साथ जबरदस्त हम बात करेंगे इंडायरेक्ट टैक्स लेके पर हाँ ये कुछ र्यूमर चल रही है मार्केट में भी मुझे बताना सही है कि नहीं है दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मेनी ऑफ द गाइस क्योंकि कल मैंने जब पोस्ट डाला यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम वगैरह पे तो लोगों ने पूछा है कि दोनों रियल ब्रदर्स है तो कुछ आटा जो बनाते ना गेहूं का जो आटा बनाते आटा चक्की वालों ने कुछ कॉन्टेक्ट किया कि मम्मी से कि किस चक्की का आटा खिलाया है मम्मी को ही पता होगा भाई आशीर्वाद आटा आशीर्वाद आटा सुपर वर्ल्ड रियली मतलब पता है जिस तरह से आप दोनों ग्रो हुए और जिस तरह से आपकी ट्यूनिंग है और जिस तरह से आप दोनों ने साथ में सक्सेस हासिल करी ना दैट्स रिमार्केबल और एक्चुअली दिस इज सक्सेस ऑफ योर पेरेंट्स और ये सक्सेस बहुत भारी सक्सेस है यार दैट आई अंडरस्टैंड सुपर तो यार सबसे पहले तो ये बताओ आपका स्टडी प्लान क्या था अच्छा दोनों के बारे में पूछूंगा मैं आप जब पढ़ाई करते थे तो आपका स्टडी प्लान दोनों का लगभग लगभग सेम ही रहता था या दोनों का प्लान कुछ अलग अलग होता था ऑलमोस्ट सेम आज का फर्क होता है अगर इसका टॉपिक खत्म हो गया मेरा दो बार बाद हो जाएगा दो बार पहले हो जाएगा बट ऑलमोस्ट सेम था हाँ हाँ ठीक है वो तो ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है बट ओके सो योर प्लान वर कॉमन कि हम हमको इस प्लान से आगे बढ़ना है इस तरह से पढ़ाई करनी है ये सब्जेक्ट मेरे को ये वाली क्लासेस लेनी है ये सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना है ये बुक्स रेफर करनी है एंड इस सब्जेक्ट के बाद ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है इस सब्जेक्ट के बाद ये वाला पढ़ना है दैट वाज मोर ऑर लेस सेम फॉर बोथ द गाइस सुपर और ठीक है टारगेट जो हम बनाते हैं वो अचीव होने में दो तीन दिन आगे पीछे होता है ये सबको वो ठीक है सुपर तो यार आपका हमें स्टडी प्लान बताइए कि आपने जैसे सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया देन यू जॉइंड आर्टिकल शिप तो कब से आपने पढ़ाई शुरू करी फॉर सीए फाइनल आपने जैसे एग्जाम दिया दिसंबर 2021 में तो फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड योर क्लासेस नॉट ओनली फॉर इंडायरेक्ट टैक्स मैं जनरल बता रहा हूं कि जनरल पूछ रहा हूं कि कब आपने पढ़ाई शुरू करी सर मेरी सो मेरे नवंबर 2018 में मैंने अपना इंटर का एग्जाम दिया था एंड उसके बाद आई स्टार्टेड माय आर्टिकल शिप फ्रॉम केपीएमजी तो बिग फोर में स्टार्टिंग में इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता बिकॉज आपको रैपो क्रिएट करना पड़ता अपने मैनेजर के साथ तो मैंने दो महीने अच्छे से लाइक वो क्रिएट करा दो महीने बाद हिम्मत करके मैं क्लासेस ले लूँ तो मैंने अप्रैल के आसपास फ्री थी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मेरे को मिलता था क्लासेस साथ करता था फर्स्ट ईयर में मेजरली मेरी फेस टू फेस क्लासेस थी एंड उसके बाद फिर कोविड आ गया तो कोविड आने से क्या हुआ उससे पहले क्या होता था मेरा ऑफिस गुड़गांव था एंड आई लिव इन दिल्ली तो दिल्ली में को 3.5 hours ट्रैवल करना पड़ा तो उसके साथ मैनेज हो नहीं पाती थी बस क्लासेस ही हो जाए बहुत बड़ी बात थी बट जब कोविड आया तो वर्क फ्रॉम होम हो गया उसके बाद फिर मैंने अपनी क्लासेस की स्पीड पकड़ ली मैं रात को पढ़ना शुरू कर दिया रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ता था एंड उससे फिर मैंने क्लासेस की स्पीड के अपनी क्लासेस कंप्लीट करी एंड सर मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी अप्रैल तक अप्रैल 2021 मेरे एग्जाम्स नवंबर में थे तो उस तब तक मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी उसके बाद फिर मेरी रिवीजन स्टार्ट हो गई फिर एग्जाम एक्सटेंड हो गए थे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो सर ये था लाइक ओके एंड फॉर शिवम सेम सर
सेम प्लान मतलब यू स्टार्टेड द क्लासेस ओके ओके सारी क्लासेस वगैरह आपने सारी सेम करी और ठीक है थोड़ा बहुत दो तीन दिन ऊपर नीचे ओके सो टिल अप्रैल यू कंप्लीटेड ऑल योर क्लासेस यस सर तो लगभग लगभग शायद दो साल लगे आपने जैसा बताया दो साल लगे आपको पूरी क्लासेस कंप्लीट करने ओके एंड सिक्स मंथ यू कैप योरसेल्फ फॉर रिवीजन यस सर बट सर वो दो साल में भी क्या हुआ था कि दो तीन सब्जेक्ट जैसे जिसमें क्लासेस लेने का कुछ सेंस मतलब था आपका वही शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है सर ठीक है ओके शुभम यस हां हां यस यस हां जी सो सर अप्रैल स्टार्टिंग से हमने जीएमसी यस बोलिए सो 4-5 आवर्स हमारे जीएमसीएस में चले जाते रहे एंड वी टारगेटेड के स्टार्टिंग में चलो हम ज्यादा आउटपुट निकाल नहीं पाएंगे तो वी टारगेटेड के 6-7-8 आवर्स जितना हमसे हो सकता है वी टारगेटेड के 6-7-8 आवर्स इनिशियल मंथ में हम स्टार्ट कर दें देयर आफ्टर कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट टाइम बट ऑन एन एवरेज इट वाज 11 to 10 आवर्स ऐसे ही रहता था नॉट मोर देन दैट एक्सेप्ट इन लास्ट फ्यू डेज ऑफ एग्जाम वाला इतने रहता था आउटपुट वाला ओके तो जब जीएमसीएस खत्म हुआ उसके बाद में कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ते थे आप लगभग सर 11-10 आई यूज्ड टू ट्रैक सर मेरे ना हैबिट है मैं लिख लिख के ट्रैक करता था आज कितना आउटपुट निकला सो ऑन एन एवरेज मेरे पास एक्सेल है वो 11 आवर्स ही कहती है मेरा सर कंप्लीटली ऑफ है मैंने कभी आज तक ट्रैक नहीं कर पढ़ा एक आई वाज लाइक जितना निकल जाए काफी है ओके सो इट डिपेंड्स ऑन गुड यस इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन मतलब जो आपका नेचुरल स्टाइल है पढ़ाई का वो आपको मिस नहीं करना चाहिए वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए जो जिस तरह से आप बचपन से लेकर अब तक पढ़ाई कर रहे हो उसी को फॉलो करो बस थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है गुड 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 तो अच्छा एक और चीज बताओ जो आपने प्लान किया था जैसे ऑब्वियसली आपने जब रिविजन शुरू किया होगा तो यू शुड हैव आपने प्लान किया होगा कि पहले मेरे को ये सब्जेक्ट पूरा करना है इतने टाइम में पूरा करना है उसके बाद ये सब्जेक्ट में उठाऊंगा इतने टाइम में पूरा होगा ऐसा कुछ प्लान बनाया था आप लोगों ने यस बनाया था सर क्या होता था मैं फर्स्ट रिवीजन में तो फर्स्ट रिवीजन में मैंने क्या करता था ऑलमोस्ट okay. छोटे छोटे प्लान था उसमें जुलाई में एग्जाम तो वो अपनी फर्स्ट रीडिंग कर रहा था मैं उसको जस्ट मैसेज करता हूँ सब्जेक्ट की स्टार्ट कर रहा हूँ तू बता इसमें कितने दिन में को दिए तो मेरे को बढ़िया दे देता था कि इतने दिन दे देगा तो चलेगा एंड ही इज ऑल्सो आवर आंसर तो उससे मेरे को गाइडेंस फर्स्ट रिवीजन में मैंने जितने भी दिन बोलता था उतने ही मैं मान लेता था एक दो दिन ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा एंड देन सेकंड रिवीजन ऑनवर्ड्स फिर मैं प्रॉपर प्लान करता था ठीक है मेरे को आईडीटी 6 दिन में कंप्लीट करना है डीटी 7 दिन में कंप्लीट करना है ऐसा फिर सेकंड रिवीजन ऑनवर्ड्स से मैंने प्लान बनाया प्रॉपर नेक्स्ट 2 मंथ्स का या फिर 1 मंथ का ऐसा कुछ ओके ओके वेरी गुड मतलब आपने एक 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 अपने फ्रेंड ऐसा था जिन्होंने आपसे एक अटेम्प्ट पहले एग्जाम दिया था हु वाज आल्सो रैंकर You took his guidance, क्योंकि यार अपने को नहीं पता होता कि कौन से सब्जेक्ट में एक्जेक्टली कितना टाइम लगने वाला है हम सोचते कुछ हो रहे होता कुछ हो रहा है सो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज फॉर एवरीबडी एवरीबडी कि आपको किसी एक पर्सन से जिसने ऑलरेडी एग्जाम दे दिए है जिसका एक्सपीरियंस इन एग्जाम्स का उससे गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए उससे वेरीफाई जरूर कराना चाहिए कि जो आप रिविजन प्लान बना रहे हो वो सही है कि नहीं क्योंकि जब हम पहली बार रिविजन करें तो हमको क्या पता है यस यस वेरी गुड दैट्स वेरी स्मार्ट वर्क यू हैव डन सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट विच वी ऑल कैन टेक अप कि यार हम सबको भी एक किसी सीनियर से हमें जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि जो प्लान हम बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है गुड वेरी गुड पर्सन तो ऐसे किसी भेजोगे तो शायद वो उतना अच्छा आउटपुट ना दे सके बट लाइक ऐसे किसी को भी मत भेज देना दैट शुड बी अ पर्सन जो आपको पता है कि बिल्कुल सही आपको वो देगा एडवाइस यस सुपर यस ग्रेट ग्रेट गुड तो यार जो प्लान आप लोगों आपने बनाया था क्या वो प्लान एग्जीक्यूट होता गया मतलब कहीं बीच में प्रॉब्लम्स आई कुछ आपको ऐसा लगा कि प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है सर क्या हुआ लाइक व्हेन आई स्टार्टेड मैंने ना हैबिट है मैं बहुत ज्यादा मार्जिन रखना अपने प्लान्स में एंड मैंने जब मैंने 3 मंथ्स का प्लान बनाया एंड
थर्ड डे ऑफ माय स्टडी लीव मेरे मॉम एंड डैड दोनों को कोविड हो गया एंड नेक्स्ट टाइम तक फिर ढंग से कुछ पढ़ाई हुई नहीं, 25 दिन के एक दो घंटे निकलते थे, तो ये समझ लो नेक्स्ट 3 मंथ के जितने मार्जिन थे ना सारे चले गए मेरे. एंड देन फिर मैं बैठा, जब वो लाइक सही हुए मैं बैठा एंड दोबारा मैंने रिविजन प्लान बनाया एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लाइक गॉड गिव मी दैट एनर्जी दैट उस डेट से लेके एग्जाम के लास्ट डेट तक मैंने जो प्लान बनाया उसी दिन कंप्लीट हुआ. आई मीन आई डोंट नो, इट्स लाइक सो ब्लेसिंग्स थी क्या था, बट ईच एंड एवरी प्लान व्हिच आई मेड वो उसी दिन कंप्लीट होता था. शिवम आपके साथ भी ऐसा हुआ बेटा? यस सर, ऑलमोस्ट सेम सर. सुपर, मतलब वन मोर पॉइंट व्हिच वी शुड टेक कि यार इन्होंने जो प्लान बनाया था उसके अंदर कुछ मार्जिन रखे थे इन्होंने. और सिंस सिचुएशंस खराब थी कोविड की एंड मॉम डैड गॉट इन्फेक्टेड ऑफ कोविड, तो उनका वो मार्जिन वहां यूटिलाइज हो गया और उसके बाद इन्होंने पूरा दिलो जान लगा दी और भगवान ने भी साथ दिया, पेरेंट्स का भी आशीर्वाद रहा होगा एंड जो आपने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुआ. पर सबसे इम्पोर्टेंट था इन्होंने मार्जिन पहले से रखा था, वो मार्जिन वहां कंज्यूम हो गया शुरुआत में ही. बाद में प्रेशर जरूर आया होगा पर उस प्रेशर को इन्होंने टेकअप किया एंड लग गए, मतलब पूरी मेहनत लग गया सब जबरदस्त. कोई ब्रेक फालतू का नहीं लेना जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि 15-20 दिन बाद एक ब्रेक ले लेना चाहिए, तो मेरे को था जब मेरे को जरूरत पड़ेगी ब्रेक तब लूंगा और वरना नहीं लूंगा. 3-3 महीने निकल जाता है मैं ब्रेक नहीं लेता सर. बट ये पॉजिटिव कोई भी दिन हो हमारा ऐसा नहीं गया जिस दिन हमने बुक्स नहीं पढ़ी. ब्रेक वाले दिन भी हम एक सेशन ऐसा रखते जिस दिन हम पढ़ेंगे, सो दैट वो हैबिट ना छूटे. That's very important. That's very important. That will be useful for many of you guys. Super. वरना क्या होता है, एक दिन पूरा दिन ब्रेक ले लिया, मूवी भी देख ली, मजा मार लिया, तो नेक्स्ट डे बुक खोलने में जोर आता था. That's great. So, कितने रिविजन्स आपके हो गए थे लगभग ये 5-6 महीने के टाइम में? सर पता नहीं, लास्ट तक तो काउंट ही चला गया था, बिकॉज़ एग्जाम एक्सटेंड हो गए थे. आई थिंक 3-4 हो गए होंगे हर सब्जेक्ट के. ओह सुपर, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, जबरदस्त. तो कमिंग टू द पॉइंट, सिंस यू बोथ स्कोर्ड हाईएस्ट इन इंडायरेक्ट टैक्स, हाईएस्ट इन योर ओन यू नो सारी सब्जेक्ट मिला के आपका हाईएस्ट था इंडायरेक्ट टैक्स में, तो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इंडायरेक्ट टैक्स, मतलब आपके मतलब क्लासेस वगैरह कब आपने ली, कब तक आपने पढ़ाई करी, कौन सी बुक्स रेफर करी, रिविजन कैसे हुआ, वॉट अबाउट इंडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यू स्कोर्ड वेरी वेल. सुपर, शुभम यू स्कोर्ड 92 एंड शिवम यू स्कोर्ड 84, रियली रिमार्केबल. सर इंडायरेक्ट टैक्स ज्यादा अमेंडमेंट होती रहती, तो मैंने लास्ट में उसकी क्लासेस ली थी फरवरी के आसपास, मैंने उसकी क्लासेस ली थी इंडायरेक्ट टैक्स की आपकी, और वो गूगल ड्राइव फरवरी 2021 में यू टुक द क्लासेस. यस यस सर, फरवरी 2021 एंड क्लासेस वो 130-140 आज की, तो बहुत जल्दी से कंप्लीट हो गई थी, मार्च एंड तक मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी उसकी आराम से. एंड उसके बाद सर फिर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा लेट उठाया था रिविजन में, बिकॉज पहले मेरे को था SFM और FR और ये सब जो मैं बिल्कुल भूला हुआ था सब्जेक्ट, वो मेरे को पहले उसमें कॉन्फिडेंस लाना था, बिकॉज मेरे को IDT में क्लासेस लेने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था. एंड लाइक वन थिंग विच आई डिड क्लासेस के साथ जो मैं सबको एडवाइस करूंगा, जैसे सर की क्लासेस कंप्लीट होती है सर की हैबिट है सर बुक नहीं खुलवाते, सर बिल्कुल मस्त पढ़वाते हैं, उससे बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती चीजें. बट उसमें एक और, अगर आप एज अ स्टूडेंट करोगे ना, क्लासेस खत्म होने के बाद 5 मिनट बुक खोल लेना एंड एक बार देख लेना जो जो सर ने पढ़ाया आपकी वहीं पे, वो बुक में अंडरलाइन वगैरह कर लो, ताकि आप जब रिविजन करोगे ना तो लगेगा ये पढ़ा हुआ आपने. इट्स जस्ट अ मेंटल थिंग, आपको आता सब ऑलरेडी होता है, बट बिल्कुल नई नई कोरी कोरी बुक खोलोगे ना तो फिर लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ाई नहीं हुई, तो IDT मेरे को आता ही. बट एक बार अगर अंडरलाइन हो रहा होगा तो बिल्कुल बैरियर हट जाएगा, तो मैं क्लासेस के साथ ये वाली चीज जरूर करता था. एंड सर वो उसके बाद फिर रिविजन में लाइक द सोल बुक विच आई रेफर्ड वॉज योर बुक ओनली. एंड सिंस मेरी क्लासेस के बाद इंस्टीट्यूट ने मेका स्टडी मैट निकाला था, उसमें कुछ क्वेश्चन रेस्ट योर नॉलेज के ऐड हुए थे, तो एक बार मैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जरूर देखता था, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया, एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर में थे वो ऊपर ऊपर से देख लेते. बट मेजरली सर लाइक इट वॉज योर बुक प्लस क्वेश्चन मैम प्लस ICAI का एमसीक्यू बुक, वो मैंने पूरा करा था. सुपर सुपर सुपर. तो आपने जैसे फरवरी में क्लासेस ली, मार्च अप्रैल में क्लास देखा आपने, लेक्चर्स फिनिश किए, जैसा मैं सबको बोलता हूँ कि आफ्टर एवरी लेक्चर आप बुक से जरूर पढ़ लेना, आपके एंड पे कंप्लीट होना इज मोर इम्पोर्टेंट, वो इन दोनों ने किया, दैट एक्चुअली गेव देम द रिजल्ट एंड डेफिनेटली मेहनत आपकी थी. देखो वी आर दी जस्ट कोच, हम तो केवल एक कोच यार, हम डायरेक्शन दे सकते, अल्टीमेटली प्लेयर तो आपको, खेलना आपको ही, और आपने बहुत अच्छे से खेला एंड जो हम यू नो इनपुट आपको दे रहे हैं वो आपने आउटपुट को बहुत अच्छे तरीके से आउटपुट में बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया, तो दैट इज योर आर्ट और सुपर वे में आपने पढ़ाई करी है. तो आपने जब फरवरी मार्च में अप्रैल में जब पढ़ाई करी, उसके बाद रिवीजन कब किया नेक्स्ट इसका? मई जून के आसपास, मई एंड में कराऊंगा, मई स्टार्टिंग मई एंड में. ओके
ओके और उसके बाद कितनी बार रिवीजन हुआ इनालिटिक्स में आपका? चार, हाँ, मई में किया, फिर अगस्त में किया, फिर सितंबर में किया, फिर अक्टूबर में किया, फिर नवंबर में किया, चार पांच बार, चार पांच बार। क्या बात है, तो जब आप एक्सटेंड हो गए 35 दिन एग्जाम से टाइम बहुत मिल गया और फिर आईडीटी थोड़ा कनेक्ट हुआ। सुपर, क्या आईडीटी थोड़ा क्या बोला शुभम होता था ना, डिस्कशंस चलते रहते रहे भाई और मेरे, हाँ इसमें ये अमेंडमेंट आ गई है, तो अच्छा अच्छा लगता रहा पढ़ने में। सुपर, तो जब आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली मंथ ऑफ मार्च में, देन आपने जब मई एंड में जब इंडायरेक्ट टैक्स को वापस उठाया, तो कितना टाइम लगा ऑन एन एवरेज रिवीजन में आपको? सर ऑलमोस्ट आई थिंक 9 डेज लगे थे इन कंप्लीटिंग मॉड्यूल्स प्लस जो केस स्टडी डाइजेस्ट आईसीआई की, जिसमें आपके 100 एमसीक्यूज है वन मार्क वाले और 30 केस स्टडीज है, उसको कंप्लीट करने में एंड आई थिंक आईसीआई ने जितना भी किया है वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यू बुक रेट थी आईडीटी की, वो फिर सर उसमें लगी गया था। तो इफेक्टिवली 10 डेज प्लस उसके बाद हम ट्राई करते थे कि कोई पुराना अटेम्प्ट का कोई है उसका एक बार पेपर लिख के देख ले, नॉट की प्रॉपर एकदम लिख के, बट एटलीस्ट 2-2.5 आवर्स डिवोट करके एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस बना ले ताकि सारे क्वेश्चन जो अलग अलग चैप्टर्स के माइंड रिफ्रेश हो जाए। तो वो हमने शायद नवंबर 20 का हमने ट्राई किया था, उसमें हमने फिर क्वेश्चन वगैरह किए, फिर देखा मार्क्स वगैरह इतना नहीं देखते रहे, बट द सोल आइडिया इज कि पूरा पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो बेसिकली ओ सुपर सुपर, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। जब भी हम कोई चैप्टर करते थे आपकी बुक में ना एमसीक्यू होते थे, दैट वाज वेरी हेल्पफुल, विद इन आई थिंक 20-25 मिनट्स आप एमसीक्यू सारे कर लोगे एंड पूरा चैप्टर वो रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चंस करने में मे बी ज्यादा टाइम लगता है बट वो 20-25 देखते ना उसमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। गुड, दैट्स रियली गुड, सुपर, जबरदस्त। तो 9 डेज और अबाउट 9 टू 10 डेज ये पूरे दिन लगे या उसमें साथ में कोई एक सब्जेक्ट भी था आपके पास? सर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट उठाते थे। ओके, तो आप लोग भी मतलब मेरे से ही स्टाइल था, आपका भी एक ही सब्जेक्ट पता था। गुड, तो क्योंकि मेरे तो बहुत कम मार्क्स आए थे, पर सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली। यस सर, पर्सन टू पर्सन। सुपर, सो 9 कंप्लीट डेज वर टेकन बाय यू फॉर फर्स्ट रिवीजन एंड सेकंड रिवीजन 5-6 डेज उसके बाद सब में लग जाते हैं। बर्दाश्त ही नहीं होता मैं, अगर थोड़ी देर अच्छा। के लिए देखूंगा मैं सरदर्द शुरू हो जाता। तो मैंने अपना हैबिट बना ली थी दैट कुछ भी हो जाए मैं स्क्रीन तो देखने नहीं वाला हूँ, अगर मैं फोन चलाऊंगा तो मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा, इसलिए मैंने किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी रिवीजन नहीं देखा। आई वाज लाइक कॉन्फिडेंट कि खुद पढ़ लूंगा। हाँ, अगर कोई टॉपिक ऐसा होता था जो मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा, जैसे बहुत पुराना हो गया था, कोई डीटी में एक दो टॉपिक्स थे जो मेरे को रिकॉल नहीं हो रहे थे, तो उनकी रिवीजन वीडियो में देख लेता था, दैट टू बिल्कुल लाइक फोन को साइड में रख के सिर्फ कक्स सुनता था। बट आईडीटी में ना बुक्स बिल्कुल जल्दी जल्दी क्लास होती थी, लास्ट तो मैंने खुद ही पढ़ लिया था पूरा। गुड गुड, तो क्लासेस लेने के बाद कॉन्फिडेंस आया आपको इंडायरेक्ट टैक्स के थोड़ा प्रैक्टिकली कॉन्सेप्चुअली? हां सर, क्लासेस के बाद हमने वो जैसे वो कर वगैरह की अलग से क्लासेस थी एमटीपीस की, उसके अलग से वीडियो लेक्चर। हां यस, वो मैंने देखी पर गई तो सब आता है ऑलरेडी, ऐसे भी बना देगा आईडीटी के, तो उससे मैं बहुत लाइक तक देखने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया। सुपर, तो आपने जब एग्जाम में अपीयर हो रहे थे आप लोग, तो 1.5 डे में आपने इंडायरेक्ट टैक्स किस तरह से तैयार किया, या आपका पूरा सिलेबस कवर हुआ, या कुछ आपने सेलेक्टिव पढ़ाई किया, या कैसे किया? सर सो मेरे पास एडवांटेज क्या था, हमारा पेपर था मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज एंड मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज इज उसमें कुछ पढ़ना नहीं होता, उसमें बाकी 7 सब्जेक्ट आते थे। तो उसमें हम लोगों ने डीटी में क्या करा, एक दिन डीटी पढ़ा, आधा दिन आईडीटी पढ़ा, क्योंकि वो भी आना है मल्टीडिसिप्लिनरी में। मैंने अपना जो मॉड्यूल वॉल्यूम 1 है ना अपना आईडीटी का आपकी बुक जीएसटी का, पूरा उसी दिन पढ़ लिया ताकि ये ना हो कि डेढ़ दिन एंड में लगे कि कोई टॉपिक छूट गया, हाथ क्या ट्रैक रहता है ओके अभी मेरे को स्पीड अप करना है या फिर मेरे को ब्रेक काटना है कुछ करना है, तो वो डेढ़ दिन का आर्ली प्लान था हमारे पास हर सब्जेक्ट का, दैट इसको ऐसे कंप्लीट करना है, और उसमें हमने अगेन मार्जिन रखे हुए थे 2-3 आवर्स। जो भी स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं या देखने वाले दोस्तों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी ऑल शुड टेक अप,
कि इन्होंने आवरली प्लान बनाया था हर सब्जेक्ट के रिविजन के लिए ड्यूरिंग दैट वन एंड हाफ डे, सो दैट इनका हर टॉपिक कवर हो पाए. एंड अगर मान लो कोई टॉपिक में टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो इनका जो ब्रेक होता था या कहाँ पे कट शॉर्ट करना है वो प्लान कर पाया. पर अगर प्लान ही नहीं हुआ, यू नो इट इज ऑलवेज सेड दैट यू नो इट्स इफ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल. सो ऑलवेज यू शुड हैव अ प्लान एंड यू मेड द प्लान एंड यू एग्जीक्यूटेड इट वेरी वेल. सुपर्ब. सो क्या 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 वरना तो एग्जेम्पशन वाला चैप्टर भी करते रह जाएंगे, वही खत्म नहीं होगा. जनरल लैंग्वेज होती वो लिखी आईडीटी थोड़ा कम बट टैक्स की ब्यूटी होती है, आपको कुछ याद नहीं करना होता इफ यू आर कंसेप्चुअली क्लियर और आपको अप्लाई करना आता है ना, वो प्रोविजन आपकी लैंग्वेज खुद बन जाती है. वो इतना ज्यादा इट्स नॉट ऑडिट या लॉ, बिल्कुल आपको रट्टा मारना पड़ता है. आपको अगर क्लैरिटी आप लिख दोगे आराम से, बिकॉज मेन सर नंबर की कैलकुलेशन होती है, मेजोरिटी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही होते हैं, तो वहां तो अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाता है. और थ्योरी वाले में भी अगर आपने पढ़ा होता है आप यू कैन मेक दैट लैंग्वेज. कोई बिल्कुल बुक वाली एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखनी होती. और सेक्शन नंबर्स वगैरह भी सर मैंने तो इतने जीएसटी में ज्यादा ध्यान दिया नहीं था, जो आईपीसीसी वाले थे वो आईपीसीसी से याद थे तो वो वाले लिख दिए थे, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई वो सब. बट अदरवाइज मैंने आईडीटी में तो सेक्शन नंबर याद नहीं करे थे. और मतलब उसके उस तब भी 92 आ गया, आई डोंट थिंक सेक्शन नंबर याद कर लेते तो कितने आ जाते. क्या बात है, सुपर्ब. मतलब देखो बच्चों, इन लोगों ने सेक्शन नंबर सब जगह नहीं लिखे, जहां इंपॉर्टेंट थे जो याद हुए थे जनरली वो लिखे इन्होंने. ऐसा नहीं कि सर्कुलर नंबर, नोटिफिकेशन नंबर, रूल नंबर सब लिख दिए हो. ऐसा भी नहीं कि बुक का लैंग्वेज कॉपी करके पेस्ट किया. इसलिए वी ऑल शुड टेक दिस पॉइंट अगेन कि यार अपने को बुक की लैंग्वेज रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. सेक्शन नंबर, रूल नंबर सारे याद नहीं कि चलेगा, इसलिए रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. टेक्निकली इफ यू आर साउंड, कॉन्सेप्चुअली इफ यू आर साउंड, प्रैक्टिकली अगर आपको चीजों को समझ सकते हो देन योर पेपर इज गोइंग टू रॉक. माहौल. तो लास्ट पॉइंट, व्हाट मैसेज यू शुड, व्हाट मैसेज you want to give to all the people, general mistake jo log karte hain CA students, wo aapko kya lagta hai ki ye mistake avoid karenge aur this should be your final message to everybody? So, ek to sabse important that 6 months ya jo bhi aap 5 months devote kar rahe ho, agar aap usi mein negativity rahoge ki mere se nahi hoga, then you are, agar aap apne upar trust nahi karoge to fir ICA ke karega. So you should trust yourself 5-6 months mein, jaisa bhi aap apna best do. अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, मेक्स गॉड विल ट्रस्ट यू एंड फॉर श्योर आपको जो रिजल्ट डिजर्व करते हो वो मिलेगा. अगर आप ही नेगेटिव होगे तो फिर गॉड भी आपके ऊपर क्यों करेगा. सो यू शुड बी पॉजिटिव इन दैट सेंस. एंड हर दिन को आपको ऐसे ट्रीट करना है दैट दिस इज द बैटल, फाइनल बैटल विच आई वन वॉर. सो उसमें आपको पॉजिटिव एकदम रहना है एंड बेस्ट देना अपना. अच्छा, सुपर. शुभम, आपकी तरफ से कोई लास्ट मैसेज बच्चों के लिए? I am a very big Virat Kohli fan, and he said it in one of his interviews that there's no point putting in so much effort in one thing if you don't have the hunger to be the best. And I would say the same message to all the CA students that don't be devoting 4-5 years of your life to one course. Make sure that after kuch nahi chhod raha usme, you are like giving every inch of your like heart and soul to this course. And then jo bhi aata result, then accept that. Yeah, doesn't matter that. आप पास होते हो, फेल होते हो, यू जस्ट गिव योर बेस्ट एंड फिर देखो देखी जाएगी ना क्या होगा. तो ये करो एंड सराउंड योरसेल्फ विद वेरी पॉजिटिव पीपल. आपको जरूरी नहीं बिल्कुल शेल में घुस जाओ, सोशल मीडिया बंद कर दो, बट हैव वन और टू फ्रेंड्स जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनको कभी भी बोर हो रहे हो तो कॉल कर सकते. तो लाइक आई यूज टू कॉल 2-3 फ्रेंड्स को अपने, जब भी मेरे को कुछ दिक्कत होती थी उनसे बात करता था. इवन एग्जाम डेज में भी बात कर लेते थे 5-10 मिनट के लिए, तो चलता था हम लोग, इतना टाइम पास हो जाता था. तो वैसा सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, डोंट लाइक पुट मार्क्स वाला प्रेशर. तो आई रिमेंबर सर आपको भी याद होगा, मैंने एग्जाम से पहले आपसे एक बार बात करी थी, एक दो बार बात करी थी एग्जाम से पहले. सर ने बोले को बोला ऐसे टेंशन मत ले यार, उनका जस्ट बेस्ट एंड जो भी तू डिजर्व करता होगा यू विल गेट दैट. एंड वो ही इवेंचुअली, यू डोंट हैव टू लाइक टेक सो मच प्रेशर, गिव एवरीथिंग दिस टू दिस कोर्स. दिस कोर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो कॉमर्स वालों के लिए कहीं भी है. इससे ज्यादा आपको बेनिफिट कोई और कोर्स नहीं दे सकता. इट जस्ट रिक्वायर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी. इफ यू कैन लाइक पुट ऑल दीस थिंग्स इन टू दिस कोर्स विद फुल डेडिकेशन, आप क्लियर कर जाओगे आराम से. जबरदस्त, सुपर्ब, शानदार. एंड रियली हमारी सबकी विशेष है, मेरी पूरी टीम की तरफ से विशेष है कि आप दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अपने फैमिली का नाम, अपने
समाज का नाम, अपने देश का नाम आगे रोशन करते रहो और ऐसे ही पॉजिटिविटी सब तरफ फैलाते रहो और ऐसे ही सबको खुश करते रहो. एंड वेरी गुड मैसेज बाय यू टू एवरीबॉडी. आई थिंक दिस इंटरव्यू विल डेफिनेटली मोटिवेट मेनी ऑफ द अपकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. बेस्ट विशेस फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच. कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Salute to you and salute to your parents. Mahul, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Bye, beta. Bye.